हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे अपनी एवोल्यूशन डेट को निकाल सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी ईजिली एंड जल्दी कंसीव करने में। बहुत सारी जो न्यू कपल्स हैं अभी ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाने वाली हूँ कि आप अपनी एवोल्यूशन डेट कैसे निकाल सकते हैं। ओवुलेशन के टाइम में अगर आप ट्राई करते हैं तो इजीली कंसीव कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारी जो लेडीज़ होती है उनको ओवुलेशन डेट के बारे में पता ही नहीं होता। और ओवुलेशन डेट क्या होती है, कितने को तो ये भी नहीं पता हो कि ओवुलेशन क्या होता है। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, ओवुलेशन होता है मतलब कि किस दिन आपका जो एग है वो रिलीज़ हो रहा है, कौन से दिन आपका एग रिलीज़ होता है, उसी दिन को हम ओवुलेशन दिन कहते हैं। और इसके लिए मार्केट में बहुत सारे किट भी अवेलेबल हैं, आपको ओवुलेशन किट मिलती है, बिल्कुल प्रेगनेंसी किट की तरह होती है। तो उसमें आपको यूरिन के कुछ फ्यू ड्रॉप्स डालने होते हैं और उससे आपका जो टू लाइंस जैसे प्रेगनेंसी में आता है, अगर वो टू लाइंस आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ओवुलेशन डेट यानी दिन स्टार्ट हो चुके हैं। और इस तरीके से हम भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम घर पे ही ओवुलेशन डेट कैसे निकाल सकते हैं या फिर कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो हमको बताए कि हमारा ओवुलेशन स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम हमको ट्राई करना चाहिए कंसीव करने के लिए। चार्ट यानी कि मैं एक चार्ट के मतलब मैं पेन लेके बैठी हूँ क्योंकि मैं एक चार्ट के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि आप अपना ओवुलेशन डेट अपने पीरियड्स के अकॉर्डिंग कैसे निकाल सकते हैं। और बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं उनका जो पीरियड साइकिल होता है वो अलग अलग होता है, तो उन पीरियड साइकिल को मैं अलग अलग डिवाइड करके एंड देन आपको डेट निकाल के दिखाने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि पहले हम गैस करते हैं कि 20 किसी का जो पीरियड साइकिल है वो 20 दिन का है, तो सिर्फ 20 दिन का है ये 20 दिन वालों के लिए। लेकिन किसी का पीरियड साइकिल जो होता है वो 28 दिन का होता है, तो ये 28 दिन वालों के लिए। और किसी का जो पीरियड साइकिल होता है वो होता है 35 दिन का। तो ये हमने तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है वुमेन के जो पीरियड साइकिल होते हैं उनका पीरियड्स भी। जिसका पीरियड साइकिल 20 दिन का है उसका पीरियड्स मान लीजिए एक एंड एट यानी 8 अगस्त यानी 1 तारीख को उसका पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके हिसाब से उसका जो एंड होगा वो 20 तारीख, तो 20 दिन बाद जो है उसका पीरियड्स दोबारा आएगा, ठीक है। 20 दिन बाद उसका पीरियड्स दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए हम तीनों कैटेगरीज का जो डेट है वो सेम रखते हैं, 28 जो दिन वाला है उसका जो पीरियड्स का स्टार्टिंग डेट है वो भी 1-8 है, 35 दिन का जिसका साइकिल है पीरियड्स का उसका भी हम 1-8 रखते हैं। तो इसके हिसाब से इसका जो पीरियड साइकिल है 28 दिन वालों का, तो उसका जो पीरियड्स आएगा अब 28 तारीख को आएगा 28-8 को, एंड देन इसका जो 35 दिन वाले का है उसका आएगा 4 और 9 तारीख को। तो इसके पीरियड साइकिल जो आएंगे वो 4 को आएंगे, एंड तो जिसकी जो पीरियड साइकिल है वो 20 दिन की है और एक की 28 दिन की है और एक 35 दिन की है, तो उनका जो LMP यानी फर्स्ट जो पीरियड स्टार्ट होता है उनका, इन तीनों का हमने सेम रखा है। लेकिन जब उसका दोबारा जो पीरियड्स आएगा वो उसकी जो डेट दे रखी है वो 20 है एंड इसकी 28 है और इसकी 4 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका जो पीरियड्स आने वाला है उस दिन से आपको 14 दिन पहले ऊपर जाना है। तो 14 दिन पहले ये अपनी लाइन कर दिया और यहाँ पे 14 दिन पहले, तो 14 दिन पहले इसका कैलकुलेट करेंगे यानी 14 दिन पहले की डेट होगी हमारी 6 तारीख। तो ये 6 तारीख हो गई, 14 दिन पहले डेट मतलब 6 तारीख, यानी कि इसको 6 तारीख के बाद 6 तारीख के बाद 1 हफ्ते तक ट्राई करना है कंसीविंग के लिए अल्टरनेटिव डेज में, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन हमको गैप करना है, फिर एक दिन ऐसे करके हमको कंसीविंग के लिए ट्राई करना है एक दिन गैप करके। उसी तरह हम इसमें देखेंगे जिनका साइकिल पीरियड साइकिल 28 दिन का है उनमें देखेंगे 14 दिन पहले जाएंगे हम, तो इनकी जो डेट आएगी वो आएगी 14 तारीख, यानी 14 तारीख के बाद आपको ट्राई करना है कंसीविंग के लिए एक हफ्ते तक आपको सब में 1 हफ्ते तक ट्राई करना है आपको। तो 14 तारीख के बाद आपको 1 हफ्ता तक 14 तारीख के बाद से लेके 1 हफ्ते तक आपको कंसीविंग के लिए ट्राई करना है, वो भी अल्टरनेटिव डेज में। इसी तरह हम इस केस में देखते हैं जिनका जो पीरियड साइकिल है वो 35 दिन का है, तो उसमें हम 14 दिन पहले जाएंगे
तो हमारा डेट आएगा 20 तारीख। तो 20 तारीख के बाद आपको ट्राई करना है कंसीविंग के लिए, 1 हफ्ते तक, 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते तक आपको ट्राई करना है, नेटिव डे के लिए आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग की। तो जो वुमेन का जो एग होता है उनका पीरियड साइकिल 20 दिन का, और वुमेन का जो एग रिलीज हो रहा है वो 6 तारीख को हो रहा है, और जो मैन होता है स्पर्म होता है ना वो हमारा जिंदा रहता है, ठीक है। एंड जो हमारा वुमेन का जो एग होता है वो 24 घंटे तक वो जिंदा रहता है। जब वुमेन की बॉडी से एग रिलीज होता है तो वो 24 घंटे तक जिंदा रहता है। एंड जो मैन होता है, मैन का जो स्पर्म रिलीज होता है वो 3 दिन तक जिंदा रहता है। अगर वो वुमेन की बॉडी में स्पर्म जाता है तो 3 दिन उसके पास टाइम होता है कि वो कंसीव कर। आई होप आप लोगों के थ्रू कुछ समझ में आया होगा कि आपको किन दिनों आप कंसीविंग के लिए ट्राई करना है। बहुत सारी वुमेन कंसीविंग के लिए ट्राई करती हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता है, लेकिन उनको मैंने इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एवोल्यूशन डे हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारा एवोल्यूशन डे कब है और कब हमारा जो बॉडी है वो एग रिलीज करेगा। हम उस टाइम ट्राई करते हैं तो कंसीविंग के चांसेस बहुत मैक्सिमम होते हैं। लेकिन किसी के जो पीरियड्स का साइकिल होता है ना अनरेगुलर भी होता है। जैसे कि मेरा पीरियड्स का साइकिल जो था वो अनरेगुलर था, मतलब मेरे को कभी जल्दी आ जाता था, कभी लेट आ जाता था। इसके वजह से ना मुझे कंसीविंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने भी मुझे कुछ इसी तरीके से मुझे समझाया था कि किस दिन कंसीविंग के लिए ट्राई करना है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे कि आपके पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं उसके एक हफ्ते बाद से लेके और एक हफ्ते तक, यानी कि मेरे पीरियड्स 1 को स्टार्ट हुए हैं तो उसके 1 हफ्ते बाद यानी कि 7 या 8 तारीख से स्टार्ट करना है। एंड देन 15 तारीख तक आपको अल्टरनेटिव डे में ट्राई करना है। सोचेंगे कि हमारा जो ओव्यूलेशन डे है वो उसको अल्टरनेटिव डे में हम ट्राई करेंगे तो क्या पता कंसीव हो पाए या ना हो पाए। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि आप डेली कंसीविंग के लिए ट्राई करेंगे तो आपकी बॉडी पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और मैं आपको एक रफली सा चार्ट बता देती हूँ, जैसे कि आपका जो पीरियड साइकिल है वो कंफर्म नहीं है आपको, तो आपको करना क्या है, जैसे कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके पीरियड्स अभी ख़त्म हुए हैं तो आपके पीरियड्स ख़त्म होने के 7 दिन बाद से आप 7 दिन तक अल्टरनेटिव डे में ट्राई करें। और आपको ट्राई करना है उसके साथ साथ, अगर आप कंसीविंग के लिए ट्राई करें तो उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है, आपको खाने पीने में पूरा ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। एंड देन आपको उसके साथ ही स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि जब मुझे ना कंसीविंग के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मेरे को शादी के एक साल हो गए थे और 1 साल के बाद मुझे कंसीव हुआ था। उसके बाद वो मिसकैरेज हो गया किसी प्रॉब्लम की वजह से और फिर मुझे कंसीव नहीं हो पा रहा था। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मिसकैरेज के 6 महीने या 7 महीने के तक हमको कंसीविंग के लिए बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है, यानी हमको रिलेशनशिप में नहीं रहना है 6-7 महीने। तो उस दिनों हमने ट्राई नहीं किया, फिर उसके बाद हमने ट्राई करना स्टार्ट किया। मैं हर मंथ परेशान रहती थी कि अब पीरियड्स नहीं आए, मैं चेक कर लूँ। हर महीने मैं चेक करती थी किट ला के, लेकिन उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था कि कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, शादी के 2 साल हो गए थे और लोग परेशान करने लग जाते हैं। मुझे पता है मेरे साथ बहुत हुआ है ऐसा कि लोग आपके घर के जितने परेशान नहीं करते उतने बाहर के लोग आपको परेशान करते हैं कि ये कंसीव नहीं हो रहा है, इसको कब बेबी होगा। ये सब आजकल नॉर्मल है लोगों को, हमारे घर में हमको कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन बाहर वाले लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं टोकने के लिए। तो इन सब परेशानियों से दूर रहना अच्छा है कि हम शादी के 1-2 साल बाद ही कंसीव कर ले। लेकिन शादी के 1-2 साल हो गए थे और मेरे साथ बहुत सारे जो कपल्स जिन मेरे टाइम में जिनकी शादी हुई थी उनके बेबी हो गए थे, तो इसलिए गली वाले मेरी सासू माँ को परेशान करते थे कि आपकी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, कब होगा। तो मैं इसके वजह से थोड़ा स्ट्रेस में थी और फिर हमने बहुत सारी मेडिसिन कराई, उसके बाद भी मुझे कंसीव नहीं हुआ। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा कि अब होना होगा तो होगा, नहीं तो कोई दवाई नहीं कराएंगे हम। तो मैंने ना 2 महीने छोड़ दिया, कोई दवाई नहीं लिया। लेकिन जब मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी, मतलब कि ये सोचना छोड़ दिया कि कब कंसीव होगा, तब मुझे अचानक से पीरियड्स नहीं आए। फिर मुझे ऐसा फील होने लग गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने चेकअप कराया, मतलब चेकअप ने किट मंगा के घर पे टेस्ट किया
तो पॉजिटिव निकला। तो मैं आपको ये स्टोरी सुना समझाना चाहती हूँ या फिर ये बताना चाहती हूँ कि आपको कंसीव करना चाहते हैं ना जल्दी से, तो आप स्ट्रेस लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए और बार बार ये सोचना छोड़ दीजिए कि इस महीने कंसीव होगा, इस महीने नहीं हुआ अगले महीने फिर ट्राई करें, यानी फिर या फिर आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि आप जैसे कि हमारा ओव्यूलेशन डे स्टार्ट हो चुका है तो हमको मैंने आपको बोला अल्टरनेटिव डे में ट्राई करना, तो आप अपने दिमाग पर ये प्रेशर मत लीजिए कि आपको इन दिनों ट्राई ही करना है भले ही आप कितने थके हो। आप माइंड में अगर आपका स्ट्रेस नहीं रहेगा ना तो आप इतनी जल्दी कंसीव कर लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आपको करना है बिल्कुल भी माइंड में ये स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे कंसीव होगा कि नहीं होगा, मुझे अभी इस आज ट्राई करना है, आज ही ट्राई करना है, आज ओव्यूलेशन डे का मेरा टाइम है तो मुझे आज ट्राई करना है, ये बिल्कुल प्रेशर लेके बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मेल एंड फीमेल का जो रिश्ता होता है वो प्यार का होता है, तो उसको प्यार से आपको चलाना है। एंड कंसीविंग का क्या है, साथ साथ रहना, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना एंड एकदम रिलैक्स होके आपको अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कीजिए, तब आपको ज़रूर जल्दी से आप कंसीव कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कोई क्वेश्चन हो अगर आपको, आप अपनी ओव्यूलेशन डेट नहीं निकाल पा रहे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, मैं आपकी ओव्यूलेशन डेट निकाल के दूंगी। जैसे ही मुझे आपका कमेंट दिखेगा मैं ज़रूर उसी टाइम आपका, उस टाइम या मैं जब भी देखूंगी मैं आपका कमेंट, उसी टाइम में आपका ओव्यूलेशन डेट खुद निकाल के मैं आपको सेंड कर दूंगी जिस टाइम आपको ट्राई करना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।